नमस्कार जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये है बेसिकली संसद भवन पर, और संसद भवन एक पब्लिक बिल्डिंग है, और संसद भवन मेनली केवल नई नहीं, उसको हम पिछली पुरानी बिल्डिंग से भी जोड़ के, मतलब दोनों का अगर देखें तो भूखंड या प्लॉट है, दोनों का मिक्स करके उसके हिसाब से भी बताएंगे आपको, अलग अलग करके भी बताएंगे, दोनों बिल्डिंग का अलग अलग करके भी बताएंगे, और दोनों कंबाइन किस तरह से रिजल्ट डिलीवर करेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए पब्लिक वास्तु है, ये कोई प्राइवेट जो आपका घर का वो वास्तु नहीं है, ये पब्लिक वास्तु है, और इसके अलग रूल रेगुलेशन है काफ़ी, वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो इस बहाने आपका समझ लीजिए पब्लिक वास्तु का बहुत अच्छा खासा आपकी पकड़ बन जाएगी इसमें। चलिए, तो संसद भवन का वास्तु, पहले तो इतनी बड़ी दिल्ली है, लेकिन लुटियंस दिल्ली क्या है, जिसको एनडीएमसी एरिया कहते हैं मोटा मोटा, ये जो है इसमें पार्ट आप देखो, ये लुटियंस दिल्ली है, इसके ईस्ट की तरफ इधर यमुना बह रही है, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये लुटियंस दिल्ली का केवल। अब लुटियंस दिल्ली के भी तीन पार्ट हैं मोटा मोटी। पहले ये पीले वाला जो पार्ट है आप देखो, ये क्या है, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये पूरा राजपथ कर्तव्य पथ हो गया अब, ठीक है, और यहाँ पर संसद भवन भी यहीं पर है, यहीं राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, ये राष्ट्रपति भवन हो गया, यहीं सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज सारे यहीं पर हैं, ओके। ये नीले वाले बंगलो जोन है यहाँ पे, यहाँ एमपीज हैं, उनके बंगले हैं और दूसरे मिनिस्टर्स के, और ये कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, ये सारा का सारा आपको पता है कनॉट प्लेस और उसके आसपास का एरिया पूरा। अब आ जाइए, मेनली कंसंट्रेट करते हैं हम, ये इधर राष्ट्रपति भवन है, ये देखो ये राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंस यहाँ बनेगा, राष्ट्रपति का फेस अगर इधर है, मान लो इस घर का या राष्ट्रपति भवन का फेस अगर इधर है, तो लेफ्ट साइड में वीपी रेजिडेंस बनेगा, ओके, जो पहले यहाँ नहीं था कोई, और इधर प्राइम मिनिस्टर का बनेगा, ठीक है, राइट में। और ये देखो ये नॉर्थ ब्लॉक, तो ये नॉर्थ साइड हुई, इधर नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ ब्लॉक है, ठीक है, इधर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं बहुत सारे। फिर ये देखो, अब इस पे ध्यान दो, ये जो रॉम्बस शेप, तिर्यक वर्ग कह देते हैं इसको हिंदी में, तिर्यक वर्ग, इसमें देखो ये एंगल और इसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा के हैं, और ये एंगल और ये एंगल आमने सामने वाले, ये 90 डिग्री से कम है, ठीक है। पूरा कोई भी वर्ग होगा उसमें अंदर के सारे एंगल 360 डिग्री के होंगे, और जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये दो आमने सामने वाले एंगल तो हो गए 90 से ज़्यादा के, और ये 90 से कम के हो गए, तो ये रोम्बस शेप कहते हैं इसको, तिर्यक वर्ग, या इसका स्पेशल नाम है डायमंड शेप, इसको डायमंड शेप कहते हैं, ठीक है। अब इसके अगर दो इक्वल पार्ट करें, चलो पहले दूसरा समझ लेते हैं, अब ये आपका कर्तव्य पथ हो गया, राजपथ जिसे पहले कहते थे, इधर देखो ये ऑफिस बन गए हैं नए, ठीक है, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर, ये नेशनल आर्काइव, सेक्रेटरीट बिल्डिंग बन गई हैं, ये हैदराबाद हाउस है इधर, ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट है, ये हेक्सागनल फॉर्म में इंडिया, सी हेक्सागन कहते हैं ना इसको, तो यहाँ पे इंडिया गेट है ये, तो ये है पूरा, ये सारा नए सिरे से बना है, लेकिन हमने इस कोर्स में मेनली कंसंट्रेट करना है नए पार्लियामेंट हाउस पर, पुराने पार्लियामेंट हाउस के साथ कोरिलेशन इसका। तो ये जो मेनली ये क्या लिखा है, देखो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इनमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में, और ये सारे न्यू स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सब नए सिरे से बने हैं या बनाए जाएंगे, ओके। तो इस पर कंसंट्रेट करो अब आप, राष्ट्रपति भवन अगर ये है, सामने बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन है, ओके, इधर इधर की तरफ साउथ है, ये साउथ ब्लॉक, इधर है नॉर्थ, तो ये इस पर कंसंट्रेट करें अगर हम, ये हो गई इधर ईस्ट, इधर की तरफ आगे जाके यमुना है,
ओके, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वो सर्कुलर है, और वो किधर की तरफ है, इस पूरे प्लॉट के किधर है, वेस्ट में, वेस्ट में है। अब इसके सामने बिल्डिंग ये बनी है, ओके, तो इस बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग के ईस्ट में बनी है अभी। इन सब चीज़ों पर हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। तो ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यहाँ बनी है, ये पुरानी बिल्डिंग है, ओके। और ये राष्ट्रपति भवन के किधर पड़ती है, लेफ्ट में, नॉर्थ की तरफ, ऐसे कह लो, ओके। इधर ये साउथ है, ये देखो जी, ये जो पुरानी बिल्डिंग है, सर्कुलर बिल्डिंग, वो किधर है, वेस्ट की तरफ, और उसके इधर, इसके ईस्ट की तरफ बनी है ये वाली बिल्डिंग। ये पुराना है, पुराने में इस तरह का दिखा रखा था। अब ये यहाँ पर चार शेरों की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। इसमें आप ऊपर से देखोगे, तीन सेमी सर्कुलर फॉर्मेशन हैं, और एक बीच में सेंट्रल हॉल था, वो सर्कुलर है यहाँ पर, और बीच में तीन खाली जगहें पड़ी हैं यहाँ, ठीक है। नई बिल्डिंग में एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, बीच में फिर से ट्रायंगुलर शेप है, और इधर ये ओपन टू स्काई है, ये है हेक्सागनल फॉर्म में। पूरी बिल्डिंग ऊपर से देखो आप, ट्रायंगुलर है, फिर उसके कोने काट दिए, तो ये हेक्सागनल फॉर्म की बन गई। ट्रायंगुलर नहीं है कोई, देखो इसके छह साइड हैं केवल। ये आप देखो, आप इधर से देख रहे हैं, ये अगर इसके बीच में खड़े होंगे तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, वो वेस्ट है उधर। तो ये वेस्ट में, इसके इस बिल्डिंग के वेस्ट में पहले से ही भारी हो गया, पहले से बनी हुई है बिल्डिंग सर्कुलर शेप की है, जो 1921 से 27 के बीच में बनी थी, लगभग लगभग 100 साल पहले, ठीक है। इस बिल्डिंग के ईस्ट में ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के वेस्ट में पुरानी बिल्डिंग है, ऐसे कह लो। तो ये है ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये आम पब्लिक के लिए ये वाला गेट यूज़ होगा, तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ओके। ये जो खाली जगह है, ये हेक्सागनल फॉर्म में है। इधर आप देख रहे हो, दो सेमी सर्कुलर फॉर्म में, ये ऊपर चार दहाड़ते हुए शेरों की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। ये पूरा प्लॉट जो है, आपको बताया था मैंने, डायमंड शेप का है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग, इसी पे कंसंट्रेट करते हैं हम, ठीक है ना। ऊपर से आप देख सकते हो, ये अब ये देखो हेक्सागनल फॉर्म में है ना, तो ईस्ट इधर है, ईस्ट इधर की तरफ है, इसमें इधर ईस्ट है, ओके, इधर वेस्ट है। तो ये गोल बिल्डिंग इधर रह गई, वो दिखाई नहीं है यहाँ पे, ये गोल बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग, वो इस साइड में है। तो ये क्या है, ये वेस्ट साइड, वो ईस्ट साइड, उधर की तरफ ये लोकसभा है, इधर राज्यसभा है, ठीक है। दोबारा से और देखो अब आप, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, ऊपर से देख रहे हैं हम। ये देखिए पुरानी बिल्डिंग, इसमें ये तीन जगह ये खुली हुई थी इधर, और तीन इसकी ये जो है सेमी सर्कुलर फॉर्मेशंस हैं, बीच में एक सर्कुलर है जो सेंट्रल हॉल कहते थे जिसको, जिसमें दोनों सदनों का सम्मिलित सम्मेलन होता था इकट्ठा, ओके, वो बीच में यहाँ पे होता था, अब इसमें नहीं है ऐसा, ठीक। तो ये ईस्ट हो गया। इधर ये देखो हेक्सागनल फॉर्म में है, तो ऊपर ये स्थापित की गई है मूर्ति, भारत का राज चिन्ह, चार दहाड़ते हुए शेर। अब इसको समझो, और अच्छे से समझो, हमेशा आपने क्या लेना है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ओके। छोटा, छोटी साइड है ये, इसके अपोजिट वेस्ट में बड़ी साइड है, ओके। और इसके जस्ट पीछे है ये सर्कुलर ओल्ड बिल्डिंग, इसमें तीन सेमी सर्कुलर फॉर्मेशन है, एक सर्कुलर। इसमें नई बिल्डिंग में क्या है, एक ये सेमी सर्कुलर फॉर्मेशन, एक ये सेमी सर्कुलर फॉर्मेशन, और ये हेक्सागनल है, और बीच में फिर ट्रायंगुलर शेप हो गई, देखो, ठीक है ना। तो ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट में जब फेस करके खड़े हो गए आप, दाएं हाथ आपका इधर होगा, दाएं हाथ दक्षिण और बाईं तरफ उत्तर, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इधर पश्चिम है। तो उत्तर की तरफ लोकसभा है, पहली बिल्डिंग में भी इस साइड में लोकसभा थी, अब भी इधर ही लोकसभा है, ओके। इधर राज्यसभा थी पहले, इधर ही राज्यसभा है। और ये लाइब्रेरी बिल्डिंग थी,
उसको अब इसके अपोजिट इधर दे दिया, ये जो बनाया ना हेक्सागनल फॉर्म, इसमें कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा कुछ लाइब्रेरी बना दी गई है यहाँ पे, ठीक है। और बीच में जो ये सेंट्रल हॉल था वो ख़त्म कर दिया गया है, ये सेंट्रल प्लेस दे दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी कह दिया इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, और ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी। तो अब ये समझ लीजिए, ये ओल्ड बिल्डिंग, ये न्यू बिल्डिंग। ओल्ड बिल्डिंग परफेक्टली सर्कुलर थी, न्यू बिल्डिंग ट्रायंगुलर को कोने काट के हेक्सागन बन गई है ये, लेकिन हेक्सागनल फॉर्म में भी ये परफेक्ट हेक्सागन नहीं है, तीन साइड बड़ी हैं, तीन साइड छोटी हैं, ठीक है। ये लोकसभा, इधर राज्यसभा, और ये हो गया आपका हेक्सागनल फॉर्म का मीटिंग पॉइंट, ओके। इसका एरिया था 16,844 स्क्वायर मीटर, इसका हो गया 20,866, लगभग 4,000 स्क्वायर मीटर बढ़ गया। लेकिन आप देखो, इसमें खुली जगह बहुत ज़्यादा थी अंदर, ये वाली देखो, ये खुली जगह बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत कम कर दी गई हैं, इस वजह से ये एरिया बहुत बढ़ गया लोकसभा और राज्यसभा का, क्योंकि सीट्स बढ़ने वाली हैं, लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स बहुत सारी बढ़ने वाली हैं। तो इसमें पहली बात तो ओवरऑल इसका एरिया बढ़ा दिया, दूसरा क्या किया, ये अंदर का जो खुला एरिया था उसको कम करके उसको इंक्लूड कर लिया इधर लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स में, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा समझिए इसको, ये लोकसभा बताई दिया, ये कोर्ट यार्ड थे यहाँ पर खुला सारा, अंदर से ये तीन कोर्ट यार्ड थे बड़े बड़े, ओके। लेकिन अब एक कोर्ट यार्ड ये है केवल, हेक्सागनल फॉर्म का ये कोर्ट यार्ड है, ओके। कॉमन हॉल था ये पहले सर्कुलर, अब ये है ट्रायंगुलर हेक्सागनल, कोने इसके भी काट दिए, देखो यहाँ पे छोटी साइड थी तो यहाँ इसकी बड़ी साइड है, यहाँ छोटी साइड है तो यहाँ बाहर बड़ी साइड है, इस तरह से कर दिया गया है। फिर लाइब्रेरी, पहले ये लाइब्रेरी थी, अब लाइब्रेरी कहाँ है, यहाँ लाइब्रेरी होगी, ये हिस्सा इतने में लाइब्रेरी होनी है, वो भी हेक्सागनल फॉर्म की है। फिर फॉयर, ये बीच की जगह, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल भी है ये, और ये खुली जगह है जहाँ से मूवमेंट हो सकता है सब तरफ। फिर ये राज्यसभा है, ये बताई दी आपको। और ऑफिसेज पहले आप देखो सेमी आर्च फॉर्म में थे सारे, ये जो ऑफिसेज थे पहले आर्च फॉर्म में थे, अब ऑफिस क्या है, ये ऑफिस होंगे, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के होंगे, तो ये ज़्यादा बढ़िया है, अंदर से जब किसी भी ऑफिस में बैठे होंगे तो वो रेगुलर शेप का दिखेगा आपको। एक प्लेयर्स बिल्डिंग है, आप देखो दिल्ली में जो विधानसभा है उसके लिए जो जहाँ मंत्री बैठते हैं उसको कहते हैं प्लेयर्स बिल्डिंग, यहाँ यमुना के किनारे, ओके। उसमें आप देखना ज़्यादातर मंत्रियों के कमरे, उनके ऑफिस कटे हुए हैं, कोई मतलब शेप ढंग की नहीं है किसी की भी, तो यहाँ पे शेप रेगुलर हो जाएगी सभी ऑफिसेज की, ये जो दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है, ये बीच में, ये वैसे तो मोटा मोटा आपको ट्रायंगुलर लगेगा, लेकिन अब अगर इसको ऐसे क्लोज़ कर दें, यहाँ पे दरवाजे बंद कर दें, तो ये वही है हेक्सागनल हो जाता है ये। बाहर आप देखो ये ट्रायंगुलर फॉर्म है, कोने काट दो तो हेक्सागन हो गई, ये छोटी साइड है लेकिन अंदर इसकी बड़ी साइड है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल की, इधर कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल की ये छोटी साइड है तो बाहर ये बड़ी है पूरे संसद भवन की, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, ये हेक्सागनल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी, ये देखो ये लगभग रेक्टेंगुलर फॉर्म की ये कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी हो गई, और ये देख रहे हो आप ये कलर इसका बदल के बता रखा है यहाँ पे, ये हेक्सागनल फॉर्म है ये भी, और ये है लाइब्रेरी, ओके। और ये जो है ये दिखा रखिए पब्लिक गैलरी हैं, पब्लिक गैलरी हैं ये, ठीक है जी। इधर ईस्ट डायरेक्शन है, इससे हमेशा ध्यान रखना, ये हेक्सागनल जो है जो हमने आपको बताया था क्या है, ये आपका कोर्ट यार्ड है, इस कोर्ट यार्ड इधर जो है ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये ध्यान रखना है। तो ये कोर्ट यार्ड हो गया हेक्सागनल फॉर्म में, कोर्ट यार्ड का ये एक हिस्सा दे दिया गया लाइब्रेरी, इधर ये कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी, और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म की
ये जो है पब्लिक गैलरीज हो गई, ये राज्यसभा हो गई, इधर लोकसभा, और इस साइड में पश्चिम की तरफ पुराने वाली संसद भवन गोल आकार की। ठीक है, तो ये आपको हमने बता दिया। ये वीआईपी लाउंज होगा ये वाला, क्योंकि ये लोकसभा है, लोकसभा में आएंगे ही वही लोग, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं और दूसरे सारे संसद सदस्य हैं, सभी मिनिस्टर्स हैं, वो इधर से आएंगे। तो ये वीआईपी लाउंज है, ये भी वीआईपी लाउंज है क्योंकि ये राज्यसभा है। ये आम पब्लिक के लिए लाउंज होगा, कॉमन पब्लिक के लिए ये वाला लाउंज। तो ये लोकसभा की लॉबी हो जाएगी ये वाली, ये राज्यसभा की लॉबी हो जाएगी, और ये पेरिफेरी पे एमपी ऑफिसेज, मिनिस्टर्स के, एमपीज के ये ऑफिसेज हो जाएंगे यहाँ पर सभी में। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी आपको बता ही दिया। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी हो गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल हो गया, ये लाइब्रेरी है तो रीडिंग रूम हो गया यहाँ पर, सेंट्रल लाउंज और कोर्ट यार्ड ये हो गया, ये ओपन टू स्काई है, इसके ऊपर भी स्काई लाइट की सुविधा है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में। उससे रिलेवेंट एक वीडियो हम आपको भेज देंगे ग्रुप में। ये राज्यसभा हो गया, राज्यसभा लॉबी है ये जगह, और ये वीआईपी लाउंज, ये वीआईपी लाउंज, ये वीआईपी लाउंज, ये कॉमन पब्लिक के लिए है। ठीक है, तो नई संसद भवन की इमारत तिर्यक वर्ग या त्रिकोणाकार भूखंड पर त्रिकोणीय या षटकोणीय बनाई गई है। तो तिर्यक वर्ग क्या है? रोम्बस या डायमंड शेप भी कहते हैं, डायमंड शेप का प्लॉट है टोटल पूरा मिला के। लेकिन अगर इसके दो पार्ट कर दें, पहले वाली बिल्डिंग एक ट्रेंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बनी हुई है, और जो नई बिल्डिंग है वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, वो प्लॉट इसका दोनों को मिला के बन जाता है ये तिर्यक वर्ग या रोम्बस या डायमंड शेप। उस पे अब ये ट्रायंगुलर बिल्डिंग बनाई गई है, लोग कह रहे हैं ट्रायंगुलर है, लेकिन अब इसके कोने काट दोगे तो ये षटकोणीय हो गई है, हेक्सागनल है ये, लेकिन ये रेगुलर हेक्सागन नहीं है। बिल्डिंग के कोनों को घिस दिया गया है, चैम्फरिंग कर दी गई है, जैसे ताजमहल की गई है। ताजमहल स्क्वायर शेप बिल्डिंग है, ये देखो ताजमहल इस तरह से बनाया गया है, स्क्वायर शेप है, लेकिन इसके कोनों की चैम्फरिंग कर दी गई है, कोने काट दिए गए हैं, और ये रेगुलर है, ऑक्टेगन भी नहीं है ये स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर में ये कोने छोटे थोड़े थोड़े काट दिए तो ये वैसे ऑक्टेगनल हो गया, लेकिन ये रेगुलर ऑक्टेगन नहीं है। रेगुलर ऑक्टेगन क्या होगा? जिसकी सारी साइड बराबर हो। तो इसकी सभी साइड बराबर नहीं है, लेकिन है ये अब ऑक्टेगनल फॉर्म में। अब वास्तु में सेवन स्टेप्स ले सकते हैं हम। सेवन स्टेप्स क्या होते हैं वास्तु में? पहला शहर, कोई भी सिटी, पहले तो सिटी की प्लानिंग की जाती है, पूरा शहर बसाना है, फिर सिटी में प्लॉटिंग की जाएगी, प्लॉट। तीसरे नंबर पे क्या है? भवन का परकोटा, कोई भी प्लॉट पे जो मकान बनाया जाएगा, भवन बनाया जाएगा, उसकी बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, या एनक्लोज़र कह देते हैं, चार दीवारी। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे क्या? अंदर की मेन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन। पांचवें नंबर पे क्या होगा? हर एक कक्ष को वास्तु के अनुसार प्लान करना, प्लानिंग एवरी रूम अकॉर्डिंग टू वास्तु। छठे नंबर पे क्या है? फर्नीचर, फिर उसके अंदर का वो यूज बेस होगा। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वही फर्नीचर वहाँ पे बनाया जाएगा, और सातवें नंबर पे हो सकता है वस्तुएं। तो हम सभी का वास्तु यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह अब शहर है, शहर तो बस ही चुका पहले से ही, भूखंड पे अवेलेबल है, ठीक है ना, तो यहीं से शुरू करेंगे हम और कोशिश करेंगे हर एक चीज़ डिस्कस करने की। फिर तीसरे नंबर पे हम परकोटा या बाउंड्री वॉल डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर पे अंदर की कंस्ट्रक्शन है, जो उसकी अंदर अलग लोकसभा है, राज्यसभा है, गैलरीज हैं, ये सब डिस्कस करेंगे हम इस तरह से। तो वास्तु में रूल होता है फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, समष्टि से व्यष्टि की ओर। मतलब पहले बड़ी चीज, ठीक है ना, जिस तरह पहले पूरा सिटी, फिर सिटी के बाद प्लॉट्स, फिर प्लॉट में बाउंड्री वॉल,
फिर बिल्डिंग अंदर, फिर बिल्डिंग में हर एक कमरे, इस तरह से, ठीक है ना। तो वास्तुशास्त्र हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग डेकोरेशन हो, सभी में ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। जिस तरह इवन डेकोरेशन में क्या है, पहले पेंट किया जाएगा पूरी दीवार का, तभी तो उस पर सीनरी लगाओगे, कोई पेंटिंग तभी तो टांगोगे, वाइट वॉश करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो इस तरह से पहले बड़ा काम फिर छोटा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं समष्टि से व्यष्टि, प्रकृति से पुरुष, ब्रह्मांड से पिंड, या बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हम सभी पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या है, शहर, शहर बस लिया, शहर बस चुका है नई दिल्ली, पहले तो दिल्ली बसी, दिल्ली में फिर नई दिल्ली बसाई अंग्रेज़ों ने, ठीक है ना। लुटियंस जिसको दिल्ली कहते हैं, एडविन लुटियंस, तो उन्होंने नई दिल्ली की योजना बनाई थी, तो सिटी तो बस ही चुका, ठीक। अब आ जाओ इसमें भूखंड, भूखंड क्या है, विषम कोणीय है, तिर्यक वर्ग, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये रोम्बस शेप का या डायमंड शेप का प्लॉट है। इसके अगर दो पार्ट कर दें हम, तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते हो ना, जिनके तीनों कोण बराबर हैं 60-60 डिग्री के, जिस ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं, उनको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब प्लॉट जो है, ये मैंने आपको दिखाया, ये प्लॉट कहने को ये रोम्बस शेप है, लेकिन अगर इसके दो पार्ट ऐसे कर दें तो एक में रह जाएगी सर्कुलर बिल्डिंग पुराने वाली, एक में रह जाएगी ये ट्रायंगुलर बिल्डिंग या हेक्सागनल बिल्डिंग नई वाली, ठीक है। तो विषम कोण या तिर्यक वर्ग भूखंड के दो त्रिकोणीय भाग करें, तो पश्चिमी त्रिकोणाकार भाग में अभी पुराना गोलाकार संसद भवन है, और ये 1921 से 1927 के बीच बना था, और अब ये संसद भवन 1923 है इस वक्त, तो लगभग 100 साल बीत चुके, ठीक है। पूर्वी त्रिकोणाकार भाग में नया त्रिकोणाकार संसद भवन बनाया गया है, पहली इमारत पश्चिम की ओर है, नई इमारत पूर्व की ओर है, और वास्तु में ये शुभ माना गया है, अभी बाद में बता देंगे हम आपको। वास्तु में ये शुभ माना है कि जो बिल्डिंग है, पहले एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उसके पूर्व की तरफ अगर नया निर्माण करें तो शुभ है, बढ़िया है। अब आप इसको समझो, ये देखो ये पुरानी सर्कुलर बिल्डिंग है, और अब ये नई हेक्सागनल बिल्डिंग, ये रोम्बस शेप है, ठीक। रोम्बस शेप के दो पार्ट कर दिए, तो क्या है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, जिनकी तीनों साइड बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में खास बात ये होती है, और अंदर के एंगल सभी 60 डिग्री। तो अब ये एक त्रिकोणाकार जो भाग है, उसमें एग्जिस्टिंग बिल्डिंग या ओल्ड बिल्डिंग कह लो इसको, अब तो दोनों ही एग्जिस्टिंग हो गई, और ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, ठीक है ना। अब देखो इनके कोने ये काट दिए गए हैं, चैम्फरिंग कर दी इनकी, घिस दिए गए हैं, ओके। अब ये कैसे बने, ये बिल्डिंग की शेप कैसे बनी वो समझा रहे हैं अब आपको हम। ये बिल्डिंग की शेप फाइनल कैसे आई, आपका अगर इंटरेस्ट हो आप अपने आप घर पे बना के देखो। ये पहले हमने पूरा प्लॉट ले लिया, ये ट्रायंगुलर प्लॉट, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रायंगुलर प्लॉट ये ले लिया। इसमें बिल्डिंग इतनी है, देखो ये खाली जगह है, इधर भी ये खाली जगह है, इधर ये खाली जगह है, ये खाली जगह है। ये जो खाली जगह है, इसको कहते हैं सेटबैक, खाली जगह को सेटबैक कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये सेटबैक छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या किया, ग्राफ पेपर ले सकते हो आप, उस पे आपने एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, मान लो ये जीरो पॉइंट है, मान लो तीन पार्ट इधर लिए आपने, तीन इधर लिए, मान लो ऐसे, ठीक है ना, ठीक। अब ये टोटल मेजर कर लो, सिक्स पार्ट है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अपना स्केल लो, सिक्स पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, या प्रकार ले लो, ये कंपस जिसे आप कहते हो, कंपस मेजर करो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे ये पॉइंट रख के इसको कट कर दो ऐसे, ठीक है ना, और इधर से भी, तो बस इनको मिला दो आपस में, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तीनों साइड बराबर है इसकी, साइड साइड ये ध्यान रखना है, ये साइड बराबर है, ये जरूरी, ये जो डायमेंशन है ये इसके बराबर हो, ठीक है ना, साइड इक्वल होनी चाहिए तीनों। और ये ट्रायंगल है इसकी एक साइड, ये दूसरी साइड, और ये तीसरी साइड,
तीनों साइड ये बराबर है, ये हमने सेटबैक छोड़ दिए, ठीक है, ये सेटबैक छोड़ दिए, इक्वल छोड़ दिए, तो ये अंदर का भी इक्वल आ जाएगा, ठीक। अब हम इसी पे काम करेंगे, अब हम इसको ले लेते हैं केवल अंदर वाले हिस्से को, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड एरिया भी ये है, ये तो प्लॉट एरिया था बाहर का, बाहर का है प्लॉट एरिया, ये है अब अंदर कंस्ट्रक्टेड एरिया, ठीक। अब ये कंस्ट्रक्टेड एरिया फाइनल ये ऐसे आया है, ओके, कैसे आया, अब ये इसकी बताते हैं आपको कैसे करना है। अब ये कंस्ट्रक्टेड एरिया पे काम करेंगे हम केवल, ओके, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है, ये तो ड्रॉ कर ही सकते हो ना आप, इसको तो ड्रॉ कर सकते हो भाई, एक लाइन इस तरह आपने ड्रॉ करनी है, ओके, जिसमें हाफ पार्ट इधर ले लिया हमने, हाफ पार्ट इधर ले लिया, अब इसको पूरे को नाप लो, ठीक। यहाँ से कंपस लिया आपने, इस तरह से एक आर्क यहाँ लगाई और दूसरे यहाँ से आर्क लगाई, तो बस इनको मिला दो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, ठीक। अब ये मिड पॉइंट है इस साइड का, ये मिड पॉइंट है, इस साइड का भी मिड पॉइंट ले लेंगे और एक लाइन इसमें से होते हुए ड्रॉ कर देंगे, इस साइड का भी एक मिड पॉइंट ले लेंगे, वो इस तरह से इसमें ड्रॉ कर देंगे हम, ये कर दिया हमने, ठीक है। ये जो साइड थी ये इसका मिड पॉइंट लिया हमने और इस अपेक्स से मिला दिया, इसी तरह इस साइड का मिड पॉइंट लिया और इस अपेक्स से मिला के लाइन ड्रॉ कर दी डॉटेड, और इसी तरह इसका मिड पॉइंट लिया और इधर से लाइन ड्रॉ कर दी, ये सेंटर ऑफ एरिया आ गया इसका, इस पूरी ट्रायंगल का सेंटर ऑफ एरिया आ गया। अगर यहाँ पे आप प्रकार रखते हो, कंपस रखते हो और इसके बराबर या इसके बराबर या इसके बराबर खोलते हो उसको, तो आप एक सर्कल इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, वो हमने करके दिखा रखा है यहाँ, इस तरह से ये सेंटर लेंगे आप, ओके, और इस ट्रायंगल का कोई भी अपेक्स ले लेंगे, ये वाला, ये साइड मतलब कोना, कोई भी कॉर्नर इसका ले लेंगे और उतनी प्रकार खोलेंगे आप, तो एक सर्कल आराम से ड्रॉ हो जाएगा, ओके। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, यहाँ पे आपने रखा, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये आपकी ट्रायंगल थी इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट आए पास पास वाले, ठीक है ना, इधर ये मिड पॉइंट था, इधर ये मिड पॉइंट था, इनको मिला दिया आपने इस तरह से, ये मिड पॉइंट था और ये था, इनको मिला दिया, और इस तरह ये वाले आपने मिला दिए, और फिर उनको ये जो आए पॉइंट इनको आपस में मिला देना है। अब ये जो हिस्सा, अब ये जो बड़ी ट्रायंगल थी आपकी, इसमें ये हिस्सा ये काट दिया उसने, ये है ये काट दिया और ये काट दिया, तो ये आपकी आ गई फाइनल, ये शेप आ जाती है आपकी, ये शेप, ये हटा दिया हिस्सा, तो ये हमारी बन जाती है वर्तमान, ये शेप बन जाती है हमारी संसद भवन की।